लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि ये बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन में रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाता है। दूसरा, ये अपने अंदर जितना भी फैट रहता है उसको स्टोर करके रखता है, साथ ही जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है, जिससे जब भी हम भूखे होते हैं, फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं, तो ये हमें फैट से एनर्जी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा, ये हमारे शरीर में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, यानी जो भी अवशिष्ट या जो विषाक्त मटीरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। जब ये टॉक्सिन्स की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में कई बार बॉडी में जब आप खराब तरीके का खाना लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या कुछ ऐसी जो कुछ चीज़ें लेते हैं जिनकी वजह से हमारे लिवर में टॉक्सिन्स जो हैं वो कंटिन्यूस जो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में ये टॉक्सिन्स हमारे लिवर में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण जो लिवर है उसमें कुछ खराबी आने लगती है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लिवर में खराबी के 10 कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर आप अपनी लिवर की कंडीशन को डायग्नोज करके इस कंडीशन को समय रहते पहचान सकते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि आप इशारा करते हैं कि आपके लिवर में कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है। तो इन्हीं सिम्टम्स को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण हमें देखने मिलता है जो कि लिवर की खराबी की तरफ इंडिकेट करता है, वो होता है नौशिया एंड वोमिटिंग। अब जब आप जो भी खाना खाते हैं, आपका लिवर जब खराब होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है, साथ ही आपका जो एसिड रिफ्लेक्स है वो भी बढ़ जाता है उस कंडीशन में, जिससे आपको मितली जैसा या उल्टी जैसा महसूस होता है। अगर आपको नॉर्मली कभी कभी मितली जैसा महसूस होता है तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी के कारण, लेकिन अगर आपके लिवर में खराबी होती तो आपको लगातार काफ़ी दिन तक उल्टी जैसी सेंसेशन आती है, नौशिया जैसा महसूस होता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके लिवर में कोई खराबी है। दूसरा इसका लक्षण होता है, वो होता है एसाइटिस, यानी फ्लूड इनसाइड ऑफ एब्डोमेन। एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके लिवर में फैटी लिवर के बाद एक कंडीशन होती है जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस की कंडीशन में जनरली जो फ्लूड है वो एब्डोमेन के अंदर रिटेंशन होने लगता है उसका, उस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं, जिससे एब्डोमेन का साइज और शेप बढ़ जाता है, यानी पेट काफ़ी फूला फूला दिखता है। और अगर डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर आपकी इस कंडीशन को हाथ से अगर पैल्पेट करके देखते हैं तो वहाँ पर आपके राइट साइड में लिवर का साइज बढ़ा हुआ मिलता है और लिवर जो है उसमें कुछ हार्डनेस देखने को मिल सकती है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको हेपेटोमेगेली यानी लिवर का साइज बढ़ चुका है और आपको सिरोसिस की समस्या है और साथ ही आपका पेट फूला फूला दिखेगा। इसके अलावा तीसरा जो इसका लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है कि आपके आँखों में यानी आपके जो स्क्लेरल पार्ट रहेगा आइस का और साथ ही आपकी जो स्किन होगी उसमें पीलापन देखने को मिलेगा। जनरली जो हमारा लिवर रहता है वो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, लेकिन जब ये एलिमिनेट नहीं कर पाता यूरिन या स्टूल के थ्रू, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, जो बाइल सॉल्ट हैं, वो हमारे लिवर जो इस ब्लड होता है यानी उसमें सर्कुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण जो है पीलापन आपकी स्किन में देखने को मिलता है और आपके आँखों में भी देखने को मिलता है। चौथा इसका लक्षण होता है दोस्तों, परसिस्टेंट ईचिंग, यानी लगातार अगर आपको खुजली की समस्या हो रही है और बहुत दिनों तक हो रही है, और इसकी जो खुजली की एक खासियत होती है कि इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि आप चाकू से भी अगर खुजलाते हैं तब भी ये कंडीशन जो खुजली की होती है वो कम नहीं होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि लगातार आपको ईचिंग हो रही है। ईचिंग किसी भी कंडीशन में आपकी ठीक नहीं हो रही है तो ये बाइल सॉल्ट के डिपोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि लिवर हमारे बाइल सॉल्ट को एक्सक्रीट करता है यूरिन स्टूल के थ्रू, लेकिन जब इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, लिवर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, तो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर हमारी स्किन की जो अंदरूनी सतह है उस पर जमा होने लगते हैं, जिसके कारण ये बाइल सॉल्ट डिपोजिशन से आपको ईचिंग की संभावना होती है, ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको लिवर में कोई खराबी आ चुकी है।
पांचवा इसका जो लक्षण होता है वो होता है पिटिंग एडिमा, यानी पैरों में या एंकल जो आपके टखने रहेंगे उनमें आपको स्वेलिंग या सूजन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपका लिवर खराब होता है तो आपके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। जब आपके एब्डोमेन में जिस तरह फ्लूइड रिटेंशन होता है उसी तरह आपके पैरों में भी फ्लूइड या वाटर रिटेंशन होता है, जिसके कारण पिटिंग एडिमा की समस्या आप देखने को मिलती है। पिटिंग एडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप अपनी फूली हुई या सूजी हुई जो टखने की स्किन रहती है वहाँ पर आप जो है पिटिंग करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा जैसा बन जाता है, और जिस स्किन को नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है तो इस कंडीशन को हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। पैरों में सूजन ये इंडिकेट करता है कि आपको लिवर में कोई ना कोई खराबी ज़रूर है। होता है कि स्टूल का जो कलर है आपका वो क्ले कलर का होगा और साथ में यूरिन का कलर आपका डार्क ब्राउन या ब्लैकिश होगा। इसका कारण होता है कि जब जो बिलीरुबिन होता है वो नॉर्मल जब हमारा लिवर उनको प्रोड्यूस करता है तो वो हमारे स्पेशली जो स्टूल रहता है यूरिन रहता है उसको कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इससे आपके स्टूल का कलर चेंज होने लगता है, यानी आपके भूरे रंग की बजाय आपका जो स्टूल का कलर है वो क्ले कलर्ड हो जाता है, यूरिन का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो जाता है। तो ये सब यूरिन जो आपका बिलीरुबिन है उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये सब कंडीशन होती है, जो कि स्पेशली लिवर की खराबी की तरफ इंडिकेट करता है। सातवां इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है वो होता है मेंटल कंफ्यूजन होना और आपको शरीर में बहुत ज़्यादा फटीग यानी थका हुआ महसूस होना। मेंटल कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि जो लोग लंबे समय से लिवर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, या तो लिवर सिरोसिस है या फिर एडवांस स्टेज ऑफ लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के कारण आपके जो लिवर है वो टॉक्सिन्स को सही तरीके से उनको डिटॉक्स नहीं कर पाता, जिससे टॉक्सिन्स लंबे समय तक हमारे ब्लड में फ्लो में जो है ब्लड फ्लो के थ्रू ब्रेन तक चले जाते हैं, जिससे ब्रेन की जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है, जिससे आपको मेंटल कंफ्यूजन की प्रॉब्लम होती है और इसके साथ साथ आपको फटीग यानी थका हुआ भी महसूस होता है। सातवां इसका और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि आपको स्लीपीनेस लगेगा, यानी ऑल टाइम आपको नींद आती रहेगी, आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो सातवां लक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आठवां जो लक्षण है दोस्तों वो होता है आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आपका वजन जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका कारण होता है कि जब लिवर में जो सही तरीके से फंक्शनिंग में नहीं होता तो इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण आपको भूख भी नहीं लगती है और भूख ना लगने के कारण आपका जो वेट है वो रिड्यूस होने लगता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके लिवर में कोई ना कोई खराबी है। नौवां इसका लक्षण होता है कि जब भी आपको चोट लगती है किसी भी जगह पर तो वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ये एडवांस स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ में ये कंडीशन होती है, जब आपके लिवर जो है बुरी तरह से डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन से एक ऐसा प्रोटीन बनाता है हमारा लिवर नॉर्मल कंडीशन में, जो कि ब्लड का थक्का बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जब ये लिवर डैमेज होता है तो ये प्रोटीन जो है वो बन नहीं पाता है, जिससे लिवर में जो है वो क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम होने लगती है। तो जब भी आपको चोट लगती है किसी भी जगह पे तो वहाँ पर क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे ब्लीडिंग होती रहती है। जैसे नाक से कई बार चोट लगने के कारण अगर खून आ रहा रहता है तो वो खून बंद नहीं होता, या त्वचा में कहीं भी आपको चोट या इंजरी होती है तो वहाँ पर कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको लिवर में कोई ना कोई समस्या है। दसवां इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सिम्टम होता है कि आपको जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो भी आपको एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, आपका पेट एकदम फूला फूला दिखने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लॉटिंग होती है। तो ये भी इंडिकेट करता है, और ये ब्लॉटिंग अगर आपको लंबे समय तक बनी रहती है, यानी आपको कभी कभार जो ब्लॉटिंग होती है वो एक अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको बहुत दिन तक यही समस्या हो रही है कि थोड़ा भी आप खाना लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक जो है इंडिकेट करता है कि आपको लिवर में कोई ना कोई खराबी है।
तो इस तरह दोस्तों ये 10 लक्षण जो मैंने बताए, इनमें से अगर आपके 4 या 5 लक्षण भी मैच करते हैं तो आपको अपना लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और इवन अगर आपको फैटी लिवर है, एडवांस स्टेज ऑफ फैटी लिवर, दैट मींस लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराना चाहिए, जिससे आपकी अंदर की जो कंडीशन है वो आप सही तरीके से और सही समय पर डायग्नोज कर सके। तो ये सभी जो 10 लक्षण मैंने बताए, अगर इनमें से आपके कोई भी सिम्टम या पूरे सिम्टम मैच करते हैं तो आप अपने LFT फंग और अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।